करके चलेंगे, या आप लिखिए मार्केट का दौरा करना। अभी यहाँ पे जाकर सबसे प्रथम हम सबको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो भी बैठे हैं वो अपना बिजनेस करने के लिए ही बैठा है, हमें समय देने के लिए नहीं बैठा है। इस स्थिति में हमें वहाँ पे जाकर बहुत ही कूल रहना है और बॉडी लैंग्वेज भी एकदम साधारण आम इंसान की तरह होना चाहिए। उसके पास जाकर हमें कभी भी ये नहीं दर्शाना है कि हम ऑफिसर हैं, हम राजा महाराजा हैं। अगर ऐसे दर्शाएंगे अपने लैंग्वेज में, अपने बॉडी लैंग्वेज में, है ना, अपने हाव भाव में अगर ऐसे दर्शाएंगे तो वो हमसे कॉपरेट नहीं करेंगे। जैसे हम लोग संबोधन करते हैं वैसे ही उनसे कीजिए। करने के बाद आप उनसे ये बताइए कि हम लोग जीविका में काम करते हैं और जीविका में ये योजना जो चल रही है, इस योजना के बारे में उनको दो लाइन बताइए कि सतत जीविक जो योजना चल रहा है, इस योजना के संदर्भ में हम लोग गरीब इंसानों का मदद करने के लिए उनको छोटे छोटे आकार में बिजनेस देते हैं। और ये बिजनेस देते समय हम लोग आप सबके जो कही गई कहानी है ना, जैसे कि आप ये सामान कहाँ से लाती हैं, कैसे लाती हैं, परिवार में क्या कौन कौन है, कैसे आप इस बिजनेस में आई हैं, ये सारी कहानी आपकी जवानी सुनने के बाद हम उन दीदियों को पास आपकी कहानी रखते हैं तो शायद किसी गरीब इंसान का भला हो जाए और वो भी अपने पैरों पे खड़े हो पाए। ठीक है, ऐसे आप उनके सामने अपने एक भूमिका रखिए, इंट्रोडक्शन सेशन रखिए और उनसे ये अनुमति लीजिए कि हम आपसे आपके परिवार संबंधित, आपके बिजनेस संबंधित, है ना, आपके पिछले जीवन संबंधित कुछ चंद मतलब घटनाएं के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, यदि आप हमें सहयोग दे तो। और दीदी उससे ये भी आश्वासन करवाना पड़ेगा कि दीदी आपके बिजनेस में हम रुकावट नहीं पड़ेंगे, नहीं करेंगे, अगर कोई ग्राहक आ जाता है तो हम किनारे हो जाएंगे, आप खरीदारी कीजिए, जब ग्राहक चला जाएगा तब हम आपसे दो चार सवाल पूछेंगे, तब आप जवाब दीजिएगा, हम आपके बिजनेस में रुकावट नहीं डालेंगे। ऐसे कहने के बाद अगर वो दीदी, है ना, या सामने वाला मतलब बिजनेसमैन अगर राजी होता है तो ही आप इंटरव्यू चालू कीजिएगा या आगे की बातचीत चालू कीजिएगा। अगर वो सहमत नहीं होती है तो नमस्ते राम राम कह के किसी और दुकान पे जाइएगा। अभी सवाल, एक नंबर सवाल, बिजनेस का नाम क्या है जो देखकर ही पता चल जाएगा। दूसरा, व्यापारी का नाम मतलब जो बिजनेसमैन का नाम और उसके परिवार का सदस्य संख्या, उसके परिवार में कितने लोग हैं और उन पर जो परिवार में सदस्य हैं उनकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब बच्चे हैं तो बच्चे कितने उम्र के हैं, स्कूल जाते हैं कि नहीं, घर में कोई बुजुर्ग इंसान है कि नहीं, कोई लाचार इंसान है कि नहीं, है ना, कोई आपका विकलांग है कि नहीं, अगर विकलांग है तो उसके पीछे मेडिसिन खर्च कितना जाता है, ये सारा स्थिति लेना है। उसके बाद ये सब लेने के बाद उसका एड्रेस पूछिएगा, वो कहाँ पे रहती है। उसके बाद आप उसके पूछिएगा कि आपके जीवन में शादी से पहले की जीवन की दो चार कहानी हमें बताएं, आपका पिता का घर कैसा था, आपका बचपन कैसे बीता, आपका पापा का घर कैसा था, उस घर में आप लोग कितने परिवार थे, कैसे आप धीरे धीरे बड़े हुई हैं, पढ़ी लिखी मतलब अगर स्कूल कभी गई हैं तो कितना क्लास गई हैं, पढ़ाई लिखाई अगर छोड़ना पड़ा तो क्यों छोड़ना पड़ा, ये दो चार सवाल उनसे पूछिएगा, शादी के पहले की जीवन की कहानी। उसके बाद पूछिएगा कि दीदी आपका शादी हुआ, शादी की बात की जीवन बताइए, आपका ससुराल कैसा था, ससुराल में कौन कौन थे, आपके पति क्या काम करते थे, है ना, शादी की बात की जीवन की कुछ घटनाएं उनसे पूछिएगा। अभी वो बताएगी
बताने के बाद उससे आप चुपचाप सुनिएगा और उसके मन मतलब उसके आँखों को पढ़िएगा, उसके आवाज़ों को पढ़िएगा। अभी धीरे धीरे आइए, जब उसकी शादी हुई उसकी जीवन की घटनाएं आप सुन रहे हैं। अभी वो बता रही है, बताते बताते शायद वो रुक गई कि मेरा जीवन ऐसा था। फिर आप उससे पूछिए कि ठीक है, आपके जीवन में ऐसा क्या दुर्घटना हुआ कि आज आप इस सड़क पे सड़क के किनारे बैठ के बिजनेस कर रही हैं, ऐसा क्या हो गया था आपके जीवन में। तो ठीक है, जो घटना वो बोलेगी वो आप सुनिएगा और नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में, है ना। अभी ये जो इस तरीके से मैं इस बिजनेस में आई हूँ, बताएगी ना वो। तो ठीक है, इस बिजनेस में आई है, आते समय आपको मदद किसने किया था, सलाह किसने दिया था, इसका अनुभव आपके पास कहाँ से आया, क्या आप शादी से पहले ये बिजनेस करती थी या किसी को करते हुए आपने देखा था, ये बिजनेस करने के लिए आपको पैसे का सपोर्ट किसने किया था और कितना किया था, मतलब कितने में ये बिजनेस आपने प्रथम शुरुआत किया था, वो पैसा बैंक से मिला था, किसी साहूकार से मिला था, किसी ने कर्ज दिया या किसी ने आपको मदद के रूप में दे दिया। अगर आपने किसी ने साहूकार ने दिया है तो वो कितना ब्याज लेता था, कैसे आपने उसको रिपेमेंट किया, चुकाया कैसे, ये भी पूछिए। उसके बाद ये भी पूछिए कि ये जो बिजनेस का सामान है ये आप कहाँ से लेके आती हैं, कितने दूर से, जाने आने में कितना खर्चा हो जाता होगा। जब आप सामान लेने जाती हैं तब कोई आपको मदद करता है परिवार से ये सामान लाने के लिए, सामानों को सजाने के लिए, सारा दिन में कितना बिक्री हो जाता होगा दीदी। धीरे धीरे स्पेस रख रख के सवाल पूछिए, उसका एक सवालों का जवाब खत्म होगा, आप थोड़ी देर रुकिए फिर दूसरा सवाल कीजिए। सवालों का बौछार मत कीजिएगा क्योंकि वो परेशान हो जाएगी, डर जाएगी, सहम जाएगी, शायद आपके साथ कॉपरेट ना करे। इसलिए धीरे धीरे ऐसे ही साधारण बातचीत करते करते आप उससे सवाल पूछिए, है ना। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप अलग हो उससे, वैसे ही कहानियां करते करते आप सवाल पूछिए। हम सबको तकनीक सीखनी पड़ेगी, हम एक सिखाएंगे, दो सिखाएंगे, तीसरा तो आपको ही खुद को सीखना पड़ेगा, आपकी यहाँ से निकालना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा से मुझे दोस्ती करना है या बात करना है, चलो कैसे कर सकते हैं। अच्छा दीदी, अभी तो आप ये सड़क के किनारे बैठ के बिजनेस कर रही हैं, क्या पूरी जीवन ऐसे ही चलेगा या भविष्य के बारे में आपने कुछ सोचा है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा आपका घुटना साथ नहीं देगा, कमर साथ नहीं देगा, शरीर साथ नहीं देगा, तब क्या करेंगी। तो उस समय के लिए कुछ सोचा है कि नहीं, इसका मतलब कुछ जमा पूंजी कर रही है कि नहीं, सेविंग्स कर रही है कि नहीं बुढ़ापे के लिए, ये भी पूछिएगा। और भविष्य में आपके इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहती हैं, ये भी उनसे पूछिएगा। और पूछने के बाद, सारी कहानी होने के बाद उसको धन्यवाद दीजिएगा कि दीदी आपने अपने समय में से बहुत मूल्यवान समय हम सबको दिया, इसलिए हम आपका जिंदगी भर आभार रहेंगे। शुक्रिया अदा करना चाहिए और ये भी कह के आना चाहिए कि ये जो आपकी दुख भरी कहानी है, ये कहानी आपकी जवानी जो आपने हमें बताया, ये कहानी किसी गरीब परिवार का, है ना, मदद करेगा अपने पैरों में खड़ा होने के लिए। हम जाकर उस गरीब परिवार को बताएंगे कि ये भी बिजनेस करके कोई इंसान अपने पैरों में खड़ा हो सकता है, है ना। ये तो हम उसको बता के आएंगे, लेकिन साइड में हमें ऑब्जर्वेशन करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि वो दीदी कस्टमर से कैसे बातचीत कर रही है। वो दीदी तो पढ़ी लिखी ज्यादा है नहीं, अगर है भी तो हम सबको पता चल जाएगा कितना है। फिर वो कैसे पैसा ले रही है, अगर कोई 250 ग्राम सामान ले रहा है तो उसका पैसा वो चटपट कैसे जवाब दे रही है कि आपका इतना हुआ, ये लो बैलेंस, कैसे दे रही है, कैसे कर रही है, पैसे की सारा एक जगह पे रख रही है ना, अलग अलग जगह पे रख रही है, दुकान को कैसे सजा के रखी है, उसके दुकानों में जो सामान आप देख रहे हैं वो सामान
कितना हो सकता है ना, कितना किलो हो सकता है, कितने वॉल्यूम में है, ये आपको देखना पड़ेगा। दीदी का बात करने का तरीका देखना पड़ेगा आपसे और कस्टमर से, है ना। ये सारी बातों को आपको ध्यान से देखना है और इन सारी सवालों का जवाब ढूंढ कर लिख कर लाना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रही हूँ, सभी एक ही दुकान में जाके भीड़ नहीं कीजिएगा। मैं सभी को दो दो व्यक्तियों को लेकर एक एक टीम बनाऊंगी और उसी टीम में आप लोग जाइएगा और दोनों मिलकर एक दीदी के पास जाकर सवाल जवाब करके ये सारा इन्फॉर्मेशन लेकर आइएगा और रात को इसके ऊपर बैठ के एक कहानी लिखिएगा, है ना। इसके ऊपर आप काजल दीदी के पास गई है, वो विमला दीदी के पास गई है, वो सीता दीदी के पास गई है, तो ये एक कहानी आप लोग पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें डाल के जो आप लेके आए हैं फील्ड में, फील्ड से उसको डालकर एक कहानी बनाइएगा और कल हमें प्रेजेंट कीजिएगा और हम लोग इसको सुनेंगे, ठीक है। और फील्ड से वापस आके यहाँ पे हम लोग अभी निकल ही पड़ेंगे। के अंदर हम लोग जो आप लोगों ने फील्ड में देख के आया उसके ऊपर एक रिव्यू होगा, आप लोगों ने क्या देखा, शेयरिंग होगा उस। तो अभी हम लोग टीम में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और हम लोग सभी मिल के ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आइए हम लोग टीम में विभाजन करते हैं। साप्ताहिक रूप से लगता हो और वह हाट जो है वो कई वर्षों से चलते आ रहा है। कुछ वहाँ पे ऐसे खरीद बिक्री करने वाली दीदी या कोई पुरुष भी हो सकते हैं, होंगे, जो लगातार काफ़ी वर्षों से वह कर रहे हैं, कुछ लोग नए भी होंगे। इसके अलावा हाट के आसपास बहुत सारे दुकान ऐसे होंगे जो बाय डिफॉल्ट मतलब हाट रहे चाहे नहीं रहे वह दुकान कंटिन्यू चल रहा है। तो हम लोग को जहाँ पे सुटेबिलिटी होगा जितना बात मैडम बताई है उसको देखते हुए जो भैया दीदी हमको समय देंगे हम उनसे ही इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे और जो भी हमको जानकारी लेना है वो लेंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं बाकी आकर के जो है डिस्कशन होगा। कल शाम को हम लोग सभी फील्ड में गए थे, है ना, एक एक्सपोजर विजिट के लिए, जहाँ पे हम सब एक लोकल मार्केट गए थे जहाँ पे बहुत सारी स्टॉल हम सबको मिले थे और आप लोग सभी ने अपने टीमों के साथ विजिट किया था। दीजिएगा, ठीक है। दीदी नमस्ते। दीदी आपका नाम क्या हुआ? पवित्री देवी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भगवानपुर के रहने वाले हैं। आपके पति का नाम? नरेश मंडल। बिजनेस के नाम है सिंघार, लिखे ना सिंघार का। चलिए दीदी, आपके परिवार में कितने संख्या है? नौ आदमी हैं। मतलब कौन कौन है आपके घर में? हम दो सौतन जी, दो सौतन, तीन लड़का तीन लड़की। तीन लड़का तीन लड़की है ना, आपके पति भी हैं, वो क्या करते हैं? ओ, मतलब नाचते उचते पार्टी में रहते, बाजा उजा में रहते हैं ना। चलिए दीदी, आप जो ये सिंघार का दुकान के हैं, इससे आपका जीवन कैसे चलता है दीदी? आप कैसे ऐसा मिला जुला के चलबे करेंगे तब की करेंगे? नहीं, फिर भी नहीं नहीं दीदी, फिर भी आपका जीवन अच्छा से चल जाता है इससे? चले से तो परेशानी से जी, अगर की करेंगे। दीदी आपका परिवार का स्थिति क्या है, जो अभी मतलब खान पान रहन सहन ये सब क्या है? मतलब अच्छा से खा पी लेते हैं, भर पेट खाना मिल जाता है आपको इस बिजनेस से? अब जैसा ही हो जेहन आमदनी रहो खाना पीना मिल लग जेहन अथी रहो, ये बात तो नहीं कि से आई जाजिए से आई अच्छे से अच्छे से। शादी से पहले दीदी आपका इससे अच्छा जीवन था कि अभी कुछ अच्छा है आपका? पहले से अच्छा है, अपनी खराब है, चल रहा है। पहले अच्छा था, छह गो बाल बच्चा है,
इन व्यक्ति अपने छी तो नौ गोरा के परिवार में तो परेशानी पहुँच ही के दीदी। तो पहले का मतलब पहले ठीक थे आप ना शादी से पहले? पुता न रहली है, कम संख्या रहली है, तीन भाई बुले की रहली है, खाना पीना जी। तो छः बाल बच्चा है का तीन अपने आदमी से, नौ आदमी में तो परेशानी पहुँच ही के। ठीक है दीदी, पहले जो है आप मतलब शादी से पहले आपके मायके में ऐसा स्थिति नहीं ना था आप लोग जब थे? अब ना आपको तीन गो बच्चा, छः गो बच्चा हुआ, तीन आप अपने हैं, लेकिन पहले ऐसा तो नहीं था। आप मतलब मजदूरी करते थे, आपकी माँ गरीब थी तो हाँ। तो फिर आप कह रहे कि कैसे थे, सब माँ बाप पर ढकेल रहे, लेकिन आप भी तो कर रहे थे मजबूरन करके रोजी रोटी चला रहे हैं। तो आप उनके साथ नहीं किए हैं जब थे कि उससे अच्छे थे? आप नहीं जाते थे? चलिए ठीक है, मतलब पहले से स्थिति आपका अभी खराब चल रहा है, यही ना? बाप मतारी के होते वो कादे न रही पढ़ावे के, गरीब थे ना वो। तो पहले भी तो सरकारी स्कूल था जैसे कि अभी है, कपड़ा पहने के लेल तो रहवे न करी, वो तो पढ़ाई के बात है। दीदी अभी जो आपके जीवन में ऐसा कोई घटना आया है जिससे आपको ज्यादा दुख पहुंचा हो? भैया 10,000 15,000 अथी महीना दिन पहले लगल हमरा अपने 10,000 ही लग के दुख हो गया। क्या हो गया था? तबीयत खराब ले, पानी चढ़ा दे ले, सबसे दे सूजन बन गई और 10,000 फिर ऊपर से लग गए। तो जब आपका तबीयत खराब था तो ये सब भी बंद रहा होगा सारा? जब इनका तबीयत खराब था बेटी के लेते आवे छी। सही बात है, आप मतलब आपका अभी ज्यादा कमजोरी है इसलिए आप बबुआ के लेके साथ में आते, यही ना? दीदी आप कैसे सोचे कि हम बिजनेस करेंगे, मतलब ये दुकान करेंगे तो हमको कुछ आमदनी आने लगेगा? आपको कौन ऐसा सुझाव दिया है कि आप दुकान कीजिए छोटा सा? सब अपने दिकदारी से। नहीं तो आपको सोच, आप सोच रहे थे पर दिक्कत है काती दूधवा कमाए लबे तो सरकार निमन। आप अपने से मतलब कोई बता, आप अपने से ना? तो ये दुकान करने के लिए सबसे पहले आप पूंजी कहाँ से लाए थे दीदी? मेल में जरना पिटली ना जी, चिरान में जी, जरना पीट के जरना बेच के पूंजी खा। हो आप अपने से मेहनत? सही बात है, आप चिरान में मेहनत किए हैं, उस जरना चिरे हैं तो आपको पैसा आया, उससे आप पूंजी। कितना का पूंजी आया था सबसे शुरू में, कितना का पूंजी लगाए थे दीदी? हाँ सही बात है, अभी तो हम देख भी रहे हैं, पर शुरू आप कितना से किए थे? अभी 2,000 का? 5,000 से। 5,000 रुपये आप कहाँ से लिए थे दीदी? जरना आप अपने मेहनत करके लिए थे, ठीक है, किसी साहूकार से या किसी से लिए नहीं ना थे आप? पहले अगर आप लेते किसी से तो ब्याज पर लेते ना, ब्याज पर 5 रुपये सही कर ना, 5 रुपये उसे आप चुका भी नहीं पाते हमको लगता था क्या, इस पूंजी से जिसको जिससे आप लेते 5,000 रुपया ब्याज पर 5 रुपये तो आप उसको मतलब दे भी नहीं पाते इस पूंजी से क्या? चलिए दीदी इसके बाद आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मेरा पूंजी कुछ बढ़े, चाहते हैं? चलिए दीदी, चलिए कीजिए, आप अपना काम भी कीजिए, हम समय देते हैं, कीजिए ना, अगर होने वाला है तो आप कीजिए अपना काम। दीदी क्या आप सोचते हैं कि सब दिन हम इसी तरह बाजार हाट में जा कर के ही हम सामान को बेचें, या फिर कुछ और सोचते हैं कि हम इससे ज़्यादा पूंजी लगा कर कुछ दुकान करें, या फिर कुछ आप चाहते हैं? सही बात, सही बात, चलिए सही बात, चलिए। दीदी जो बिजनेस करते हैं उसमें आपका परिवार का सहयोग मिलता है? नहीं मतलब जो है सो आपकी बेटी थोड़ा हेल्प कर देती है ना, आपके पति तो इसमें थोड़ा भी इन्वॉल्व नहीं है इसका? दीदी ये चीज बताइए, आपका बेटा जो है कितना बड़ा बड़ा है? आप वो सौतिन का मतलब 14 साल का? चलिए एक एगो 14 साल, एगो 8 साल का बेटा है, 14 साल का है, 8 साल का बेटी भी आप ही के देगा है ना, आप ही का है ना जी? चलिए ठीक है दीदी, यहाँ सामान रखे हुए हैं, बेच रहे हैं, पूंजी लगाए हैं 2,000 में, आप जो है कुछ पैसा आप सब खर्च में ही कर लेते हैं, पूंजी जो बचता है उससे पूंजी लगते हैं,
ऐसा कीजिए कि कुछ भुड़की जो होता है ना, भुड़की जानते हैं ना, भुड़की भी खरीदे, 2-3 रुपया रोज डाले उसमें। और जब जीविका दीदी, आप सामान कहाँ से लाते हैं खरीद के? मोहन से। ओके, आपको भाड़ा कितना लग जाता है जब पूरा सामान लाते हैं? तो 30 रुपये। कौन में से? हाँ हाँ, टोटल 40-45 लग जाइए दीदी। चालीस रुपया लग जाता है ना आपका किराया? जब सामान लाते हैं मतलब जितना पूंजी है उसी में से लाते हैं ना, मतलब किराया लग जाता है उसी में। पैसा कीजिए दीदी, वो जो आप सामान लाने में खर्च होता है उसी पूंजी में से ही सब कुछ होता है, उसी में से कोशिश कीजिए 3-4 रुपया आप बचाने का, ठीक है? हो सकता है जब आपको कमी हो जाए, हो सकता है वो 3 रुपया जो है, अगर 1 सप्ताह कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, 1 महीना 2 महीना कीजिएगा तो 90-100 रुपया पुर जाएगा, पुर जाएगा ना, तो वो भी हो सकता है आपके पूंजी में काम आ सकता है, समझे दीदी? दीदी आप इससे अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं दीदी? अच्छा, हाँ अच्छा, आप क्यों करना चाहते हैं? मेरा परिवार अच्छा रहे, या इसीलिए ना दीदी? आपका जो बच्चा है उसको पढ़ाते हैं या नहीं स्कूल में? सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा है, हर कुछ है, सब कुछ मिलता है, खिचड़ी भी मिलता है, हर कुछ। तो आप उसको पढ़ाइए बच्चा को, कम से कम जैसा आप है उसी तरह उस बेटी को मत बनाइए दीदी, ठीक है? थोड़ा सा समय उसको, भर दिन तो नहीं, शाम में बाजार का टाइम है वो आ जाएगी, शाम में पढ़ाई तो नहीं होता है, 4 बजे के बाद ही आपका जो है ये हो पाएगा, इसीलिए कम से कम बच्चे को स्कूल ज़रूर भेजिए, ठीक है दीदी? ठीक है दीदी, इतना बताएं इसके लिए दीदी। दीदी आप इतना बताएं इसके लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? उस दीदी को बताएंगे, चलिए चलिए दीदी, नमस्ते। बिजनेस है, ये बिजनेस कितना में शुरू हुआ किया था और अभी
उसका प्रेजेंट एसेट ग्रोथ वॉल्यूम मतलब उसका पैसा कितना है ये आप सबको दिखाई देगा। तो ये सब देखते हुए हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो सब्जी का दुकान है ये देखिए वो 500 रुपया में से बिजनेस स्टार्ट की थी और अभी उसका 4000 अमाउंट कितना है 4000। इसका मतलब क्या समझ में आया आप लोगों को? प्रॉफिट है, अच्छा चल रहा है। अच्छा और क्या समझ में आ रहा है? एकदम शॉर्ट पूंजी में बहुत कम राशि में बहुत अच्छा बहुत जल्दी डेवलपमेंट उसे कराया जा सकता है इस तरह की बिजनेस। मतलब कम पूंजी से भी हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ मन में हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और वो हिम्मत हमारे फील्ड लेवल में बेनिफिशियरी के अंदर थोड़ा सा कम है ये हम सब जानते हैं और हमें वही हौसला उसके अंदर डालना है, वही हौसला हम सबको उस बेनिफिशियरी के अंदर मतलब हमारी जो दीदियाँ हैं उनके अंदर हमें डालना है, उनको विश्वास दिलवाना है कि इतने छोटे पूंजी में कम पूंजी में भी हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और एक कहानी उभर के आती है, देखिए और एक कहानी यहाँ पे आप लोग को उभर के आई है, ये वाली केला का दुकान है ना, 6 नंबर क्या है, केले का दुकान। ये वहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया था, कहाँ से देखिए 500 रुपया से और अभी उसका बिजनेस क्या है 2000। तो ये भी बिजनेस हो सकता है, हो सकता है ना। और एक देखिए सब्जी का दुकान और एक है जो स्टार्टिंग में किया था 500 रुपया से और अभी उसका कितना है 1200। और एक कहानी आप देखिए, ये क्या है, जानकी किराना दुकान, सिंघार दुकान है ना, जानकी दीदी का सिंघार का दुकान था, कवित्री बिंदी माला वगैरह सब वो बेच रही थी। ये शुरुआत की थी अच्छा खासा नाम उससे 5000 से, है ना। अभी उसका अमाउंट कहाँ है 2000। इससे क्या पता चलता है, जितना पूंजी वो लगाई थी वर्तमान में वो पूंजी नहीं है, उसका पूंजी घट रहा है दिन प्रतिदिन, मतलब लॉस में चल रहा है। आप ढूंढ के देखिएगा, कहानी सुनेंगे तो पता चलेगा कि शायद इस दीदी के पास सेविंग्स नहीं था, हो सकता है या सेविंग्स की थी लेकिन एकदम छोटे अमाउंट में की थी, हो सकता है ना, कि या तो सेविंग्स उसने किया ही नहीं था, सेविंग्स का महत्व उसे पता ही नहीं है। तो ये कहानी जब सुनेंगे तब पता चलेगा। अभी ये जितने भी आप लोगों ने सर्वे करके एक्सपोजर विजिट आप लोगों को मिला था कल, वहाँ से आप लोग एक्सपोजर विजिट करके आए हैं और कहानियाँ भी आप लोगों ने तैयार किया है इस एक्सपोजर के ऊपर, तो हम लोग दो एक कहानी आप सबकी जवानी सुनेंगे। बीना देवी है ना, सब्जी की दुकान, बीना देवी कौन विजिट किया था, ग्रुप नंबर 1। आपसे सुनेंगे कि आप लोगों ने क्या वहाँ पे आप लोगों का अनुभव क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंस हुआ आप लोगों का और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिला जिसके आधार पे आपने ये कहानी तैयार किया है। हम लोग आपकी जवानी सुनेंगे और सभी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और उनकी कहानी सुनने के बाद अगर मन में कोई सवाल आता है तो हम उनके पास वो सवाल रखेंगे और उनका जवाब भी सुनेंगे, ठीक है। सर्वे को लेकर मोहनपुर पंचायत के मोहनपुर चौक के समीप व्यापार वाले स्थानीय घाट में हम लोग गए। बाजार के सर्वे करने का मुख्य उद्देश्य का स्थानीय बाजार में किन किन चीज़ों पर दुकान है, वह महिलाएं क्या क्या चीज़ का दुकान कर रही हैं, उन्हें क्या क्या परेशानी भी होती है, सामान कहाँ से लाती है और बाजार तक सामान कैसे लेकर आती है और उसके काम में उनका परिवार का कैसा
मुलाकात सब्जी बेचने वाली एक दीदी से हुई। हमने उनका अभिवादन कर उनसे कुछ बात करने की इच्छा जाहिर की, साथ ही हमने उन्हें अविश्वासन दिया कि बातचीत से आपका काम प्रभावित नहीं होगा। दीदी का नाम बीना देवी था, उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष, जो दोसपुर गांव की रहने वाली है। उनके पति का नाम स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह है। बीना दीदी के पति का देहांत 4 वर्ष पूर्व हो चुका था। उनके परिवार में 4 पुत्र एवं 1 लड़की है, जिसमें दो लड़के एवं 1 लड़की की शादी हो चुकी है। दीदी के माता पिता एवं एक का देहांत हो चुका है। वो एक भाई 4 बहन है। इसके पति सीतामढ़ी में ही रिक्शा चालक थे, अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। इनके पति को टीबी हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। गरीबी के कारण अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाए। पति का असमय मृत्यु के पश्चात घर चलाने की सारी जिम्मेवारी बीना दीदी पर आ गई। उस वक्त उनका बड़ा लड़का मात्र 16 वर्ष का था। परिवार चलाने के लिए दीदी ने सब्जी का रोजगार करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उसके खुद का था। सब्जी का रोजगार 500 से कि यह कर्ज वह सब्जी बेचकर ही चुकाती थी। बीना दीदी पढ़ी लिखी न होने के कारण उसे हिसाब करने में परेशानी होती थी, लेकिन धीरे धीरे तीन से हिसाब करना आ गया। उसे हिसाब करना आ गया। साथ में उसका बड़ा लड़का भी हाट में जाता था। दोसपुर उसके घर से हाट की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। पहले वह अपने सिर पर ही टोकरी रख कर हाट में बेचने के लिए आती थी। उसके पास एक ठेला भी है, जिस पर कई तरह की सब्जी रख कर हाट आती है। दूसरे जगहों पे हाट जाकर ही बेचती है। बीना दीदी मोहनपुर एवं विजयपुर दो जगहों पर अलग अलग दिन लगाने वाले हाट में जाती है। दीदी अपने दोनों बच्चों को पढ़ा भी रही है। 500 रुपये से अपना रोजगार शुरू करने वाली दीदी आज 4000 रुपये का सब्जी खरीदार कर बाजार में बेचती है। अभी उनके दुकान में फूल गोभी 50 केजी, टमाटर 30 केजी, धनिया पत्ता 1 केजी एवं हरा मिर्च 10 केजी था। दीदी प्रतिदिन हाट करके 300 से 400 रुपये कमा लेती है और उनका परिवार अच्छे तरीके से चल रही है। दीदी का घर अभी भी मिट्टी का है और वह चाहती है कि उनका घर पक्के का हो, और इसके लिए वह कुछ रुपये बचा भी रही है। दीदी अपना स्थानीय दुकान पैसे के अभाव से नहीं कर पाई। दीदी को हाट में बेचकर ही अच्छी आमदनी हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि एक गरीब दीदी स्वरोजगार करके जो कि बहुत ही कम पैसे से शुरू की, पैसे अपने घर की जिम्मेवारी को निभाते हुए गरीबी से बाजार निकलती और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का भी कोशिश कर रही है। इसकी कहानी एक सबके लिए प्रोत्साहक है। और ये सुनने के बाद आप सबको क्या महसूस हुआ? कुछ तो महसूस हुआ होगा। इधर से आपको क्या महसूस हुआ? बिजनेस करने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत नहीं है, कम पैसे से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। बिजनेस करने के लिए कम पूंजी से भी शुरुआत किया जा सकता है, इधर से एक आ रहा है। और इधर से ये दीदी बता रही है कि मन में हौसला होना चाहिए, है ना। तो हमें ये कहानी से दो चीज़ उभर के आती है कि एक मन में हौसला होना चाहिए कोई भी काम, चाहे हम पर्सनल लाइफ में करें या ऑफिशियल लाइफ में करें, कहीं पे भी सिर्फ मन में हौसला ही बहुत कुछ कर देता है ना। तो ये जो हौसला है, हम सबको
एज ए स्टाफ लेवल, एज ए एमआरपी लेवल, एज ए ऑफिसर लेवल, सभी के अंदर ये हौसला होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है हमारी, हम जिस बेनिफिशरी को लेकर काम कर रहे हैं उस बेनिफिशरी के अंदर हौसला। तो हमें ये थोड़ा सा रुक कर ये सोचना पड़ेगा कि हमारे मन में तो हौसला है, क्या हम जिससे जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके मन में भी हौसला है, पूरी है नहीं है, है ना। उनके अंदर भी हौसला पूरा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस बेनिफिशियरी के अंदर हौसला डालना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। वो बातों से नहीं होगा, वो हमारी एक्टिविटी से होगा, हमारे आचरण से होगा, हमारे हाव भाव से होगा, है ना। दूसरी बात ये कि कम पूंजी में भी बिजनेस हो सकता है, क्या ये हमें पता चला? पता चला पूरे टीम को? हो सकता है कि दीदी को आप लोगों को ले जाके मार्केट ले जाके दिखाना पड़े, ये भी हो सकता है। दीदी जिस गांव में रह रही है उसी गांव के हाट में ही दिखाई, देखिए दीदी कैसे ये बिजनेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो कहानी आपके सामने कल उभर के आई है, ये कहानी भी आप अपने अंदर रख सकती हैं और ये कहानी आप दीदी के सामने भी उतार सकती हैं, उससे भी शेयर कर सकती हैं, ताकि वो दीदी के अंदर भी हौसला तैयार हो, ये विश्वास तैयार हो कि हाँ हम छोटे से भी बड़े हो सकते हैं। और दीदी को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि दीदी कदम तो चलना आपको ही है ना, मंदिर में पहुंचना आपको ही है, पीछे हम आपके खड़े हैं, है ना। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग एक बार में चलना सीखा नहीं है, गिर गिर के चले हैं ना, लेकिन हम जब गिर गिर के चलते थे तब पीछे से कोई मजबूत वाला हाथ हमें आगे खड़ा कर देता था। वो हो सकता था आपका पापा, आपकी मम्मी, आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी दीदी, आपके दादाजी, आपके नाना जी, आपकी दादी, आपकी नानी, कोई ना कोई बड़ा जो है वो आपको आके उठाता था और बोलता था कि बेटा और चलो, मैं पीछे हूँ ना। तो ये जो ताकत हम सबके अंदर है, यही ताकत दोबारा हमें एक पेरेंट्स बनना पड़ेगा दीदी का, और दीदी को ये कहना पड़ेगा, उनके मन में ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि दीदी आपके लिए सुनहरा भविष्य है, आपको वहाँ पे पहुँचना है, चलेंगी कदम आप, लेकिन पीछे हम आपके हैं, आपके साथ देने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे, तभी जाके वो दीदी का तरक्की हो सकता है। 500 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करके वो 4000 की 40000 भी हो सकता है। समझ में आया आप लोगों को? अभी एक काम कीजिएगा, सातों टीम हम लोग जब टी ब्रेक में जाएंगे, लंच ब्रेक में जाएंगे, तो सातों टीम एक दूसरे टीम की कहानियों को सुनिएगा, ठीक है। फिर आपके पास अभी तो एक कहानी है, अगर हम दूसरे टीम की कहानी सुनेंगे तो हमारे पास दो कहानी होगा, तीसरे टीम के पास से सुनेंगे तो तीन कहानी होगी। तो ये इन कहानियों को एक्सचेंज कीजिए अपने अंदर, फिर अपने अंदर जो कहानी जमा होगी वो एक एक के पास साथ साथ कहानी जमा होगी, है ना, और वो कहानी आपको फील्ड में काम करने में मदद करेगी। Thank you.